हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर एरर स्पॉटिंग की और मैं उपस्थित हो गया हूँ एसएससी प्रीवियस ईयर एरर स्पॉटिंग के दूसरे एपिसोड के साथ। आज यहाँ पर फिर आगे 15 क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे, बारी बारी से आंसर करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा जाएगा। समय सीमा 20 सेकेंड की ही होगी। मैं आप सब से यही उम्मीद करता हूं कि आप सब इतने समय के अंदर इसको बनाने की कोशिश करें। वैसे बच्चे जो सुपर बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं और बिगनर्स हैं, अगर आपको परेशानी होती है तो आप वीडियो पॉज करके समय ले सकते हैं, लेकिन एडवांस लेवल के बच्चों को ये मेरे तरफ से अलाउड नहीं है। फिर भी अगर डिफिकल्टीज आती है तो क्या करेंगे, बनाना है तो रोक कर बनाइए, लेकिन आगे से ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो। कोशिश करिए कि समय सीमा के अंदर बनाया जाए। सेशन को शुरू करेंगे उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, साथ में मन में कोई दुविधा रह जाए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, बीच बीच में हो सकता है कि डिस्टर्ब हो आप, क्योंकि ये बदलते मौसम का असर मुझ पर भी थोड़ा बहुत हो गया है और सर्दी का शिकार हो गया हूं। तो खैर, मैं कोशिश करूंगा कि ऑडियो को म्यूट कर दिया जाए जहां जहां परेशानी हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज टॉलरेट कर लीजिए, क्योंकि सेशन लाना बहुत जरूरी था। चले पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान है। कह रहा कंप्यूटर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच, नहीं यहां पर मोर होना चाहिए, क्योंकि यहां आएगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट का सेंस देने के लिए, मोर टू बी डिजायर्ड, है ना, जितने की उम्मीद। तो कंप्यूटर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच नहीं, यहां पर मोर लगाएंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट का, उस अर्थ में सेंस आएगा तो बेहतर सेंस देगा, और इसलिए यहां जो गड़बड़ी है ये मच हटा करके हम इसको मोर करेंगे और सही हो जाएगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको पता ही है मच पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है, मोर कंपैरेटिव में और मोस्ट सुपरलेटिव में, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए कह रहा यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स, यहां पर इनटू का प्रयोग नहीं होगा, यहां इनटू की जगह पर आप लगा सकते हैं या तो इन या लगा सकते हैं फ्रॉम, इस दोनों में से किसी एक का प्रयोग कीजिएगा सही हो जाएगा। यहां इनटू का प्रयोग करना सही नहीं है। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, और इनटू का प्रयोग विशेष करके जब किसी जगह पर अवस्था परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी दायरे में बाहर से गति करते हुए जाता है, चेंज ऑफ स्टेट को अगर दर्शाते हैं, जैसे पहले से किसी जगह पर है तो ही इज इन द रूम, बाहर से चल के अंदर आ रहा है ही केम इन टू द रूम। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अवस्था परिवर्तन और गति को दिखाया जा रहा है, इसलिए यहां पर इनटू का प्रयोग होगा। तो यहां इनटू का प्रयोग करना जो है नहीं होगा सही, या तो यहां इन लगा सकते हैं या फ्रॉम लगा सकते हैं, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चले अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया। और फिर से देखिए, एक तो इस पर लॉजिकल है, आइदर और कोरिलेटिव कंजंक्शन है, अगर दोनों का प्रयोग होता है, दोनों सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का के साथ इस्तेमाल होता है, और व्यवहारिकता वाइज भी देखिएगा कि हम कहें या तो खेलना या पढ़ना, या राम या पढ़ना नहीं होगा, या राम या श्याम, आइदर राम और श्याम, आइदर राम और स्टडी तो होगा नहीं, आइदर स्टडी और प्ले हो सकता है,
यहां पर सीधा सीधा देखिए क्या लिखा हुआ है कि यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। यहां पर भी होल स्टोरी की बात कर रहा है, इधर भी कह रहा है, इसको इधर लगाइए, टेल मी को पहले ले जाइए। यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी सुनाइए, उसका कुछ हिस्सा सुनाइए, तो ये दोनों उसके साथ जुड़ेगा तब जाके मीनिंग सही होगा। यहां जो पोजिशन है वो गलत है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते इस तरीके से कि यू मस्ट आइदर टेल मी नहीं होगा, यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, तब जाकर कैसे होगा, दोनों हिस्सा स्टोरी के बारे में। तो वही आइदर राम और श्याम, आइदर राम और प्ले नहीं हो सकता, आइदर प्ले और स्टडी या आइदर प्ले और राम नहीं हो सकता है। इस तरीके से नहीं करते हैं इसके साथ पेयरिंग, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका पोजिशन चेंज करेंगे, टेल मी के बाद आइदर को लगाएंगे, सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है आर नेबर्स, आर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 ईयर। देखिए ये गलत है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, किस टेंस में, प्रेजेंट एंड पास्ट में, ठीक है। तो कहेगा सर फ्यूचर में, फ्रॉम का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किस में, फ्यूचर में, सिंस का प्रयोग नहीं करते, और फोर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और किस में, तीनों, प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ एंड फ्यूचर के साथ। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर सीधा सीधा क्लियर है क्या कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और फ्रॉम, सिंस कहां, प्रेजेंट में पास्ट में, और फ्रॉम कहां, फ्यूचर में, फॉर का प्रयोग होता है पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों जगह पर। तो यहां पर इसकी जगह फॉर होना चाहिए और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया। यहां पर एक फिक्स प्रपोजिशन है, द पेशेंट वॉज एकम्पेंट। वैसे भी एजेंट से पहले हम लगाते हैं बाय, और वैसे भी फिक्स याद रखिएगा, एकम्पेंट के साथ बाय का प्रयोग होता है, विद का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ क्या होता है, बाय का प्रयोग होता है, विद का प्रयोग नहीं होता है, एकम्पेंट के साथ बाय का प्रयोग होता है, तो यहां पर विद नहीं लगेगा, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देना है एक कंपेन के साथ, विद नहीं, बाय का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे। पास अवे यहां नहीं होगा, पास अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है गुजर जाना, देहांत हो जाना, क्या होता है, देहांत हो जाना, है ना, ये इसका प्रयोग यहां पर नहीं कर सकते। क्या कह रहा है कि अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे, तो इसमें से अवे हटा दीजिए, यह गलत, टू पास द टाइम इन अ विलेज, है ना, तो यहां पर सही हो जाएगा, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पास अवे का दूसरा सेंस होता है मर जाना, गुजर जाना, इसलिए यहां से पास हटाएंगे, अवे हटाएंगे और तब ये जाके सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर, यहां होना चाहिए। इस तरीके से आप प्रयोग नहीं कर सकते, परमिटेड टू एंटर। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर द पार्क आफ्टर डार्क, है ना, एंटर करने के लिए नहीं। और चूंकि ये स्टैटिक एक्शन का है, मैंने पढ़ाया है क्लास में कि v1, v2, v5 को अगर हम नॉन एक्शन फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो 2 प्लस एक्शन वर्ड में लिखते हैं। चूंकि ये स्टैटिक चीज को बता रहा है ना कि कभी भी डार्क के बाद उसको अलाउ नहीं होता है, तो ये ज्यादा बेहतर है, ये नहीं, टू एंटर होना चाहिए। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये नॉन एक्शन फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कहते हैं ही गोज टू मार्केट। अब जो दूसरा वर्ब यहां पर लगा रहे हैं वो नॉन एक्शन होगा, क्या, टू बाय अ पेन, तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। है तो लिखा हुआ एक्शन वर्ड, लेकिन वो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, गोज का रीजन है या पर्पस कह लीजिए। तो इस तरीके से लिखते हैं, तो यहां पर चूंकि ये v1 v2 v5 के लिए लिखा गया है, इसलिए यहां पर टू एंटर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए यहां पर क्या है कि द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, तो ये जो है ना सिंगुलर है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट सिंगुलर, यानी पांचवा और आखिरी, वही आखिरी है पांचवा वाला, तो यहां पर जो है होना चाहिए कंटेन्स, कंटेन नहीं। ऐसे भी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था एडजेक्टिव या आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ये कॉम्बिनेशन सिंगुलर होता है। मैंने बताया था आपको द डॉक्टर एंड प्रोफेसर, ये एक ही आदमी है। यही अगर मैंने दूसरा बताया था कि एडजेक्टिव या आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव या आर्टिकल, आर्टिकल प्लस नाउन, तो ये कॉम्बिनेशन प्लूरल होता है जब दोनों के बगल में लगा हुआ रहता है, तो ये अलग अलग को दिखाता है। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिंगुलर, और ये कॉम्बिनेशन होता है प्लूरल। मतलब ये है कि अगर हम लिखें द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर, तब ये प्लूरल होगा। यहां पर एक ही जगह द लगा हुआ है ना, तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा कंटेंस। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे नहीं लगता है, मैं इसको पहले कई बार बता चुका हूं, शॉर्ट्स में भी आ चुका है कि अगर हम दोनों के पहले लगाते हैं द, एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हुआ रहता है तो वो प्लूरल होता है, अगर एक के पहले लगा हुआ है तो वो सिंगुलर होता है। चूंकि यहां पर कह रहा था फिफ्थ एंड फाइनल, इसलिए होगा कंटेंस, आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। मुझे याद नहीं है पिछले दिन मुझे शायद मैंने एनपीएन फॉर्मूला बताया था, नहीं बताया था, मुझे ध्यान में नहीं है। अगर बताया है तो ठीक, लिख करके बताइए कमेंट में, बताया था नहीं बताया था। तो एनपीएन फॉर्मूला में क्या होता है कि नाउन जुड़ा हुआ है, प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है, फिर उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ है, फिर प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है, नाउन जुड़ा हुआ है, और आगे मुझे वर्ब का यूज करना है। तो ये जो वर्ब होता है ना, ये सिंगुलर या प्लुरल होता है अपने फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से, सिंगुलर और प्लुरल, ठीक है। तो देखिए यहां पर कह रहा है वन ऑफ द टेररिस्ट, तो मेरा सब्जेक्ट कौन है, वन, तो सबसे पहले तो ये गलती है, आर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब है कि यहां पर क्या होगा, कह रहा है टेररिस्ट ऑफ द काश्मीर वैली, आर शॉट डेड नहीं, यहां होना चाहिए वॉज शॉट डेड, चूंकि कहानी पास्ट की है, एज कर देंगे तो फिर वो खो जाएगा कि डेली मरता है, ऐसा कुछ नहीं, मारा गया ना, कहानी कह रहा है वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द काश्मीर वैली वॉज शॉट डेड, तब जाकर केस होगा, वहां प्लूरल नहीं होगा ये ठीक है, लेकिन होगा क्या, तो वो होगा वॉज, ध्यान रखिएगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। एनपीएन वाला मैं जानना चाहता हूं कि मैंने बताया था या नहीं बताया था,
मुझे लिख करके कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा, डेफिनेट वेट मेजर अमाउंट डिस्टेंस, ये सब सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है। डेफिनेट वेट मेजर अमाउंट डिस्टेंस जो भी है ये सब सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर होता है। यहां पर 10 किलोमीटर्स फिक्स है इसलिए इज सही है, इसलिए सवाल का जवाब है नो एरर। ऑप्शन क्या है? डी। मैंने अभी क्या बताया, एक बार ध्यान दीजिएगा कि डेफिनेट वेट मेजर अमाउंट डिस्टेंस ये जब भी दिया हुआ रहेगा, डेफिनेट वेट मेजर अमाउंट डिस्टेंस ये अगर है फिक्स है सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। अब देखिए इस तरीके से समय मेंशन नहीं करते हैं हम, इस तरीके से जिस तरीके से यहां समय मेंशन किया गया है इनडेफिनिट में, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करते हैं। इस तरीके से समय मेंशन किया जाता है या तो परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दो ही जगह इस तरीके से समय मेंशन कर सकते हैं हम। तो यहां पर होना चाहिए आई हैव सीन हिम, क्या हो जाएगा आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, मैंने उसे देखा है कई दफा सिंस मे। मतलब क्या है कि इस तरीके से अगर समय दिया जाए तो इंडेफिनिट के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं, दो ही जगह प्रयोग होता है परफेक्ट के साथ और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। इसलिए हम क्या किया यहां पर वी टू को हैज हैव प्लस वी थ्री किया, चूंकि यहां पर आई लगा हुआ है इसलिए हैव सीन होगा और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। अब देखिए सबसे पहले तो एक तो विच लगा करके यहां पर लिखा गया है, वैसे भी विशेष चाय की बात कर रही है जो हम पी रहे हैं, डेफिनेट है यहां पर, तो यहां लगना चाहिए द। आपको पता है कि द डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित चीज को इंडिकेट करने का। वैसे भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है उस तरीके से नाउन आ रहा है उसके आगे एक्सटेंशन लगा रहे हैं सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो एक निश्चितता का बोध कराता है। इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल रहता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आप सब मुझे बताइएगा अगर मैं कुछ ज्यादा तेज बता दे रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अटपटा लग रहा है तो कमेंट में लिख करके बताइएगा, तो फिर हम धीमा हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने आसान सवाल पे ज्यादा समय देने की जरूरत है। मैंने क्या कहा कि आप पढ़ करके लग रहा है कि टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, मतलब वो फिक्स कर रहा है कि वो चाय जो वो पी रहा है, चूंकि निश्चितता हो गई तो डेफिनेट आर्टिकल वहां पर लगाना पड़ेगा इसलिए उसके पहले द लगाया। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया। यहां पर फिर से एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपथाइज्ड विद पुअर, पुअर ने यहां पर लगा ये द पुअर तब ने एक कम्युनिटी को शो करेगा। आपको पता ही है कि द प्लस एडजेक्टिव करते हैं तो ये पूरे समुदाय को करता है ना, कम्युनिटी को शो करता है।
जैसे द पुअर कहते हैं उसका मतलब होता है गरीब लोग, गरीब नहीं, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। यहां द लगाएंगे तब जाकर के सही होगा कि ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपथाइज विद द पुअर ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुअर के पहले द लगाएंगे, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एडजेक्टिव से पहले अगर हम सामान्यतः द लगाते हैं तो वो पूरे समुदाय का बोध कराता है। द पुअर के पहले द लगाया मतलब है गरीब लोग, ऑनेस्ट के पहले द लगाया मतलब ईमानदार लोग, ठीक है, पूरे ग्रुप को शो करता है। चलिए अगला सवाल जो कि सेकेंड लास्ट होगा, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए कह रहा है कि वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, आपको पता होना चाहिए कि जब टू का प्रयोग प्रेपोजिशन की तरह होता है तब इसके साथ वी वन प्लस आई एन जी का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम यूज टू ड्राइविंग इन लंदन, यहां पर टू का प्रयोग प्रेपोजिशन की तरह हुआ है। जैसे आई एम अबाउट टू गो, अब इस एग्जाम्पल को आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं कि इसमें प्रेपोजिशन का प्रयोग, अबाउट को प्रेपोजिशन की तरह प्रयोग किया गया है, और ये जो टू प्लस वी वन है दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। इसमें टू जो है वो प्रेपोजिशन नहीं है। उसी तरीके से यहां पर जो लुक फॉरवर्ड टू है ये प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यहां हेयर नहीं होना चाहिए, हेयरिंग होना चाहिए। मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि टू अगर कोई भी प्रेपोजिशन है उसके साथ हम अगर नाउन का प्रयोग करते हैं, वर्ब लगाएंगे तो वर्बियल नाउन करना पड़ेगा। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि लुक फॉरवर्ड टू के साथ वी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग करते हैं। मैं यहां कारण बता रहा हूं क्यों करते हैं, कि अगर टू का प्रयोग हम प्रेपोजिशन की तरह कर रहे हैं तो वी वन प्लस आई एन जी लेगा, लेकिन अगर हम उसको इन्फिनिटिव में शामिल कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर ये टू प्लस वी वन ये गो के साथ है, प्रेपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन यहां पर अबाउट है, और अगर ये प्रेपोजिशन होता तो ये नहीं होता, दोबारा दो प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते इस तरीके से। तो अबाउट यहां प्रेपोजिशन है मेरा, टू प्लस वी वन इज द कॉम्बिनेशन, और जो कहा जाता है क्या, इन्फिनिटिव। तो यहां पर जो है लुक फॉरवर्ड टू एक साथ है जहां पर टू प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, इसलिए हेयर नहीं, हेयरिंग होना चाहिए, यहां ये इन्फिनिटिव नहीं है, है ना। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों से गलती होगी क्योंकि उसको लगेगा कि ये ठीक है, वो उसको टू प्लस वी वन मान लेगा, सोच लेगा सही है, लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। टू का प्रयोग जब प्रेपोजिशन की तरह होगा तो इसके साथ वी वन प्लस आई एन जी ही इस्तेमाल होगा, वो भी अनाउन, जैसे और सब प्रेपोजिशन के साथ होता है। आफ्टर स्टेइंग इन पटना ही डिसाइडेड टू गो टू जू, देखिए आफ्टर लगा है तो आगे स्टेइंग लगा है, आफ्टर स्टेइंग इन पटना ही डिसाइडेड टू गो टू जू। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम प्रेपोजिशन लगा रहे हैं तो उसके बाद नाउन लगाएंगे, नहीं तो वर्ब अनाउन लगाएंगे। तो यहां पर अगर टू प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो यहां होना चाहिए आई एन जी वाला, इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा था एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड, शॉक्ड बाय नहीं, इसके साथ एट लगता है, ध्यान दीजिएगा, अलार्म्ड, एस्टोनिस्ट, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अराइव्ड, ये सभी ऐसे हैं जिसके साथ एट का प्रयोग किया जाता है। यहां पर बाय का प्रयोग गलत है, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या करेंगे, बाय को हटा के एट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अलार्म्ड, एस्टोनिस्ट, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अराइव्ड, ये ऐसे हैं जो अमून और सारे भी है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है, पर इसके साथ एट का प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर बाय हटा करके एट लगाया। उम्मीद है डिस्टर्बेंस तो खैर हुई है, और उसके साथ ही हम लोगों ने ये एपिसोड समाप्त किया है, और आप सबने
सही सही किया होगा और अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कॉमेंट में लिख करके मुझे बताइए। साथ में अगर कोई परेशानी रह गई हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया है तो कॉमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप उसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के जरिए से बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।